दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन सचाना और आपका मेरे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वॉट इज़ एक्सपोजर, ISO, एफ नंबर्स और जो शटर स्पीड, तो वो सब क्या होता है। कई सारे लोगों को ये सब नहीं पता होता है कि ये सब क्या होता है। वो लोग DSLR खरीद तो लेते हैं लेकिन उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होता है DSLR में। तो आज हम लोग उसी की बात करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरे पास इस टाइम निकॉन D3200 DSLR है और जो लेंस मैंने यूज़ कर रखा है वो 18 से 55 mm का लेंस है निकॉन DXVR का। तो एफ नंबर जो हैं वो 3.5 से 5.6 जी तक जाते हैं। तो बस हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्टार्ट जैसे ही DSLR को स्टार्ट करते होंगे तो आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस टाइम की स्क्रीन बन के आती होगी, मीन्स इस तरह का व्यू बन के आता होगा। आप लोग इस पर देखते होंगे ये कुछ बन के आता है 1:160, F4.2, इधर ISO, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो ये सब होता क्या है, आज हम लोग इसी की बात करने जाएंगे। ये जो 1:160 ये अपने आप चेंज हो रहा है, ये मैंने इस टाइम एपर्चर मोड में लगा रखा है इसलिए चेंज हो रहा है। ये होता है एक्सपोजर कंट्रोल, हम लोग इसको अपने हिसाब से बढ़ा कम कर सकते हैं। इस वाली बटन के कई सारे फंक्शंस होते हैं, हम लोग इस वाली बटन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स इसके फंक्शंस हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो सेटिंग्स से होते हैं। तो ये होती है शटर स्पीड, मीन्स आपकी शटर स्पीड कितनी फास्ट है, कितनी कम, कितनी ज़्यादा, तो ये शटर स्पीड होती है। और इसके बगल में आप लोग देख सकते हैं F4.2 लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये किस लिए यूज़ होता है। F4.2 एक्चुअली में फोकल लेंथ होती है। आप लोग देखेंगे, आप लोग जैसे ही जूम करते होंगे, जूम इन या जूम आउट, तो ये एफ नंबर्स अपने आप ही चेंज होते हैं। देखिए मैं जूम करता हूँ तो F4 और मैं जूम इन करता हूँ तो F5.6, तो ये होते हैं, ये फोकल लेंथ होती है। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा है, ये थोड़ा फ्लैश चमक रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, अगर आप लोग जूम ऐसे करते हैं तो ये जो सेंटर में जो स्पेस होती है, आप लेंस में एकदम सेंटर में, मीन्स कितनी लाइट इस लेंस के अंदर एंटर करे, ये एफ नंबर डिसाइड करे फोकल लेंथ। जैसे ही हम लोग जूम करते हैं फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो ये उसी वजह से होता है। फोकल लेंथ बढ़ना मतलब जो इसका सेंटर है, मीन्स वहाँ से लाइट उतनी कम से ज़्यादा कम जाएगी। हम लोग जैसे ही जूम इन करते हैं, मीन्स कम जूम करते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ, सॉरी, ये जो बीच का सेंटर होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उस पर अब कम लाइट एंटर करेगी। तो वो ये वैसे ज़्यादातर ब्लर फीचर जो हम लोग, जैसे आप लोग देखते होंगे एक इमेज होती है उस पर सब्जेक्ट पे फोकस होता है और बैकग्राउंड ब्लर होता है, ये मेन उसके लिए यूज़ होता है। तो जितना कम एफ नंबर्स होते हैं लेंस के उतना ज़्यादा ब्लर होता है, तो ये मेन उसके लिए होता है एफ। और इसके बाद थर्ड पे आता है ISO क्या होता है। एक्चुअली में ISO मैं पहले भी कई वीडियोस पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ बीच बीच में कि ISO क्या होता है। ISO सेंसिटिविटी होती है, जितना कम ISO होगा, जैसे कि अगर आप एकदम डे लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हैं, आप वहाँ पे सनलाइट है और बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आप कम से कम ISO रखिए। जैसे जैसे लाइट कम होगी आपके बाहर सराउंडिंग्स में, आप वैसे वैसे ISO बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग ISO 100 पे शूट कर रहे हैं तो जो वीडियो, जो फ़ोटो शूट होगी वो इनबिल्ट बहुत ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस नहीं होगी, और अगर आप रात में शूट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके सराउंडिंग्स में इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होगी जितनी डे में होती है। तो हम लोग ISO बढ़ा लें, ISO बढ़ाएंगे तो हम लोगों की जो इमेज में लाइट होगी वो अपने आप बढ़ जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप लोग कैसा ISO यूज़ करें, किस टाइम पे इमेज शूट करने पे, फ़ोटो शूट करने पे। तो ये रही बात एक्सपोजर, एफ नंबर, ISO की। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इनका यूज़ क्या होता है, ये सारे वीडियोस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग अगर देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिलहाल मैंने आपको मेन जो मेन चीज़ होती है ये क्या होता है और किस लिए यूज़ होती है वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही टेकी और टेक फैक्ट्स,
और DSLR स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो हर दूसरे दिन अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पे वीडियो ज़रूर शूट करूँगा और एक दो दिन के अंदर अंदर ही वीडियो शूट करके अपलोड करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।